अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, आप सब लोग मेरे पास इलाज कराने के लिए आते, लेकिन गारंटी पूछते। कई लोग आके गारंटी हमें अच्छे होते क्या, कितने दिन का कोर्स रहता, कितने दिन करना, हमें इतने साल से गोलियाँ खा रही, इतने दिनों से दवाइयाँ खा रही। बट यकीन मानो, अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग मेरे पास आते, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार या तीसरी बार मेरे से मिलने नहीं आते, उनका ख़ानदान मिलने आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो लोग आए हुए हैं माशाल्लाह, अभी मैं आपको दिखलाऊंगा, इंशाल्लाह बतलाऊंगा, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 साल से तकलीफ़ थी, नींद नहीं थी, अल्लाह के फजल करम से जो मैं दवा दिया, वो दवा खाने के बाद खुद ब खुद उनके दिमाग में वो ख्याल आया कि उन्होंने गोलियाँ छोड़ देना जो 10 साल से खा रहे थे। उन्होंने ऑटोमेटिक दवाइयाँ भी छोड़ दिए और सेहत भी एकदम अच्छी है। ये अल्लाह ताला दिमाग में डालते सो है। मैं जो कुछ भी बातें बोलता हूँ ये अल्लाह ताला मुझे याद दिलाते सो है, बस मैं आप तक एक मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे नबियाँ पहुँचाने की कोशिश करे। जितने नबियाँ आके अल्लाह की पहचान कराने की कोशिश करे, वो एक किच काम कर रहा हूँ, वो ये काम को कौन समझ रही, ये काम को कौन समझ रही, और ये जो इलम मैं बांट रहा हूँ इसे अल्लाह की नामत समझ के कौन इस्तेमाल कर रही है। उन्हें घाटे पे नहीं आ रहे, उन्हें फ़ायदे में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जिंदी मिसाल यहाँ पे है, जो सालों से दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो खाने की सही ग़िज़ा सिखाया उससे अच्छे हो गए। उन्हों चलिए आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ से हैं आप? मैं मेदक डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से आ रहा हूँ। क्या तकलीफ क्या थी? तकलीफ क्या, वो चेस्ट कैंसर बोल के बोले डॉक्टर साहब, वो गोलियाँ दिए आपका, देखा मिसेज फोन में देख के, वीडियो देख के, दूसरे दिन ख्याल आया कि वहाँ जाएंगे बोल के गुलबर्गा आके मिला। 3 तारीख एक महीने के मेहमान है बोले। हाँ, क्या बोले डॉक्टर? एक महीने के मेहमान है, कैंसर होना, फेफड़ा में कैंसर हो गया बोल के, बस दूसरी जगह कहाँ लिख को दिए थे? क्या हैदराबाद जॉब बोले? हाँ, आप नहीं गए। तकलीफ क्या क्या हो रही थी आपको? जाड़ा बुखार आता था और खांसी होती थी बस। जिसम पूरे कील कील दिखते थे। अभी कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, कोई दर्द नहीं, फ्रेश है अभी। तबीयत अच्छी है? तबीयत अच्छी है, जैसा कि 40 साल की उम्र में रहता हूँ वैसा हो गया मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, 40 साल की उम्र के जैसा नजर आ रहा हूँ। अल्लाह के फजल से माशाल्लाह। दिन दवा खाया आपकी? बेहतरीन उम्दा दवा है आपकी। कितने दिन खाया? 22 दिन खाया। 22 दिन में 6 किलो वजन बढ़ गया मेरा माशाल्लाह। खाना भी अच्छा खा जा रहा, बेहतरीन अच्छी दवा है आपकी। नींद अच्छी आ रही? नींद अच्छी आ रही। 4 बजे अलार्म लगाया, मैं तो 11-12 बजे नींद नहीं आती, 12 बजे तक। सांस भी फूलती थी क्या? फूलती थी, दम नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। कल 50 टोकरे रेती भरा, मैं 3 टोकरे नहीं भरता था, पकड़े से खींच के, दम नहीं आ रहा मेरे को। बहुत दिनों के बाद, 15 साल के बाद 50 टोकरे रेती भरा पकड़े से देखेंगे बोल के। माशाल्लाह माशाल्लाह, दम नहीं आया मेरे को माशाल्लाह। थोड़ी दूर 10 मीटर भी नहीं चल सकता था मैं। अभी 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 अच्छा चलता हूँ, 200 मीटर तक चल सकता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 किलोमीटर चल सकता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, पैदल आप 2 किलोमीटर तो भी चल, 10 कदम नहीं चल सकते थे। कितने दिन में शिफा मिली? 22 दिन में शिफा मिली मेरे। माशाल्लाह, 15 दिन में हुआ हमारा, आज को 22 दिन हुआ आपसे मिलने के लिए, फिर आया। अच्छा, पूरी सेहत अच्छी होगी ना फिर? कहीं क्या है, आपसे मुलाकात करेंगे बोल के, आप भी सुनेंगे, फिर कुछ दवा ले लेंगे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आपकी तबीयत अच्छी है? कब से तकलीफ थी आपको? 12 साल। क्या तकलीफ थी माँ? गोलियां खा रहे थे क्या? गोलियां खाने के बाद भी क्या फर्क नहीं आ रहा था आपको? दम आता था जो, नींद भी सही नहीं आती थी, नींद की बोले बेहतर भी नहीं आती थी। नींद की बोले बेहतर नींद नहीं आती थी। लेकिन कल भी बोलते थे कहीं को ले जा रही मोटा, वो तो हार्ट पेशेंट है ना, वो ज्यादा था मैं। तो भी नींद सुकून से नहीं आती थी उनको। अच्छा, तो ये टाइम उजाला कहीं बोल रही बोल रहा। माशाल्लाह, नींद भी आ रही, सेहत भी अच्छी हो गई। गोलियां कहीं छोड़े आप? गोलियां ये देखेंगे अच्छा होगा, नहीं खाना। 2 महीने छोड़ दिए, शफा हो गया। तो गोलियां छोड़ के कितने दिन हुआ? 22 दिन हुआ। गोलियां छोड़ने के बाद क्या तकलीफ नहीं? हाँ, सुकून पहले से ज्यादा सुकून है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो कौन बोले गोलियां छोड़ो, बोल को हाथी का ऊपर, हाँ अल्लाह के तरफ से मैसेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कुछ भी हमें एक्शंस करती हैं, जो कुछ भी हमें जो है फैसले लेते हैं हमारी ज़िंदगी के, ये सारे फैसले अल्लाह की तरफ से तय हो चुके हैं, समझ में आ रहा। अब मैं खुद पेशेंट्स को नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे गोलियां के साथ, आप मेरे दवाइयों के साथ, आपके दवाइयां साथ में हो। जब आप सेहतमंद हो जाते, जब आप अच्छे हो जाते, जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाता अल्हम्दुलिल्लाह, तब आप गोलियां धीरे धीरे छोड़ दे सकते। तो कईयों लोग जो है शुरू करने से पहले जो है अल्हम्दुलिल्लाह एलोपैथिक गोलियां छोड़ देते और कईयों गुना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फील करते ये कुदरती नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद, समझ में आ रहा। तो ये शिफा आपको तब भी छोती जब आप यकीन लेंगे अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह की नेमतों पे इंशाल्लाह, तब जाके इंशाल्लाह ये दवाएं आपके ऊपर जादू की तरह असर करेंगे और आप खुद ताज्जुब हो जाएंगे कि ये क्या हो गया बोल के इंशाल्लाह। चलो बहुत खुशी हो रही माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को शिफा दें दे। और ये जो नेचुरल चीज़ें मैं आपको सिखा के हूँ, जो आपको यहाँ पे बतला के सिखा के भेजे, क्या सिखा के भेजे आपको, अर्जुन की छाल में क्या डालो बोले, लहसुन अदरक, हाँ हाँ, तो ये माशाल्लाह। और आपको दूध लहसुन का कुछ बोले क्या, चलो चलो माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह चलो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये जो फार्मूले जो मैं आपको फेसबुक पे बतलाते जाता हूँ, अर्जुन की छाल, डॉक्टर साहब छोटे बच्चे भी पी रहे, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, छोटे बच्चे उलझ पी रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह गिजा है माई बेहतरीन, इससे क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, एक नेचुरल चीज है। अगर आप ये पीते रहेंगे तो जिंदगी भर आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे सिवाय अल्लाह के। चलो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरे नेचुरल। अदरक लहसुन नेचुरल चीज है ना, हाँ। अर्जुन की छाल ये भी नेचुरल चीज है, ये अर्जुन की छाल और जो है ये गुड़, हाँ शक्कर की जगह गुड़ लेना, नमक की जगह सेंधा नमक लेना, उजला नमक की जगह सेंधा नमक, वेरी गुड वेरी गुड। बट बस ये सही खान पान आपको कभी बीमार नहीं करेंगे, वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इंशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेमेडीज आप सीख लो इंशाल्लाह, अर्जुन की छाल के साथ लहसुन और अदरक, एक 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 इंच जो है अदरक और एक से दो लहसुन के कलियां, अर्जुन की असली छाल, एक तीन इंच अर्जुन की असली छाल डाल के पका के पियेंगे तो आपके लंग्स के अंदर की तकलीफ भी, जैसे कि हार्ट लंग्स के अंदर इधर रहता ना लेफ्ट साइड, हार्ट से लेके कितने साल से तकलीफ हो, आप कितने दिन में अच्छे हुए, आप 22 दिन में शिफा हो गया, अब उसे भी तकलीफ नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, सुकून से नींद भी हो रही माशाल्लाह, और आपको भी अल्लाह का शुक्र है। तो ये अर्जुन की छाल, ये लहसुन, ये अदरक, ये तीन चीज़ें आपके फेफड़े के साथ साथ आपके दिल को भी साफ करते थे और तो आपके दिल को भी अच्छा रखते, और ये अल्लाह के नामता इतना ज़बरदस्त आपके पार्ट्स के ऊपर असर करेंगे इंशाल्लाह कि आपको रिजल्ट, ये इंग्लिश दवाएं सालों से खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता अल्लाह का शुक्र है। आपको कुवैत से आया क्या, अपने बच्चे की तकलीफ तो देखा, दवा खाने तो हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम सुन गया क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इतना भी खाना नहीं खाते थे, वजन कम हो रहा था, 2 किलो पुदीना अदरक और नमक काला हकीम साहब बन गए नो, ठीक है नहीं, ये
ठीक है, ये हाँ, जिनको खाना नहीं खाया जाता उन्हें काला नमक, पुदीने के पत्ते, बोलो बोलो बोलो, पुदीने के पत्ते, एक पिंच अदरक, चुटकी भर नमक, काला नमक, रस बना के पी, रस बना के कपड़े में अच्छा निचोड़ के एक चमचे में डाल के पी लेना। क्या होता है इससे? भूख लगती है। और क्या होता? हाजिम सही होता, छाती में जलन भी नहीं हो रही, बहुत जलता था छाती में मेरे, जलन कम हो गई, महसूस ही नहीं है। आप किसके भी डॉक्टर बनो ना, को आप खुद के डॉक्टर बनो बस, वो भी नीम हकीम नहीं। समझ में आ रहा क्यों बोलो? जब एक अल्लाह की नियामत को उसके फ़ायदे जान लेंगे तो अल्लाह का जिक्र करते हुए आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, तो वो चीज़ें आपके ऊपर असर करते हैं। समझ में आ रहा? ये पूरे नेचुरल चीज़ें हैं, खान पान जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई से भी स्ट्रिक्ट और जो है एकदम मैं हाई डोसेस के नहीं बता रहा हूँ। अदरक, लहसुन, पुदीना, काली मिर्ची, यू नो, भिंडी, लोखी, हाँ, तुवर की दाल, मसूर की दाल, ये पूरे दाल दाने में मैं आपको सिखा के दे रहा हूँ। ये कब और कैसा खा लेना सीख गए आप, तो आपका मेहनत का पैसा कभी बेकार नहीं जाएगा इंशाल्लाह, हमेशा सेहतमंद रहेंगे आप, ठीक है ना। ये इलम सीख जाओ और अपनों को भी ये चीज़ों का जो है पहचान कराओ, ये नेमतों का पहचान करो, पहले अल्लाह की पहचान करो, फिर अल्लाह के नेमतों की पहचान करो, हमेशा फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हर महीना इंशाल्लाह 1-5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 को बीदर, 8 को रायचूर, 9 को करनूल, 17 को मैसूर, 18 को होसूर, 21 तारीख को मुंबई इंशाल्लाह। अगला महीना रमज़ान होने की वजह से गुलबर्गा में 25, 26, 27, फिर 29 बीदर, 30 रायचूर, 31 करनूल इंशाल्लाह। मेरा फ़ोन नंबर 9900666495779541413981907041411। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।